खबर अंबाला से है, जहां बीते दिन हमने आपको अंबाला में हुई कार मालिक से ठगी का मामला बताया था। अब इस मामले का खुलासा महज 24 घंटे में हो गया। जी हां, फिल्मी अंदाज में नोट बदलने के खेल को अंजाम दे रहे लोगों और दो पुलिसकर्मियों के खेल का अंबाला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये मामला हरियाणा के अंबाला में कार खरीद की आड़ में हुई 9,40,000 रुपये की ठगी का है, जिसे काले धन के नटवर लालों ने फिल्मी अंदाज में अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन अंबाला पुलिस ने महज 24 घंटे में ही इन लोगों के झूठ से पर्दा उठा डाला। पेचीदा मामले की जांच पुलिस ने शुरू की तो मामले में शिकायतकर्ता सहित पुलिस विभाग के दो कर्मचारी भी मामले के संलिप्त निकले। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मामला ठगी या धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि काली कमाई को सफेद करने का है, जिसमें करनाल का व्यापारी 4.5 लाख रुपए की नई करेंसी देने के लिए और 9.5 लाख रुपए की पुरानी करेंसी लेने के लिए अंबाला पहुंचा था। पुलिस की माने तो शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई गई है और अब पुलिस ने दो पुलिस कर्मियों सहित काले धन के 5 नटवर लाल को हिरासत में ले लिया है। इसमें जो इनिशियल जो कंप्लेन आई थी वो इन्होंने एकदम झूठी कंप्लेन करी थी। जो केस रजिस्टर करके हम पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें ये पाया गया कि जो कंप्लेनेंट था वो यहाँ पे नए नोटों के बदले पुराने नोट जो उसको ज़्यादा मिलने वाले थे वो एक्सचेंज कराने आया था, जिसको वो बाद में एडजस्ट बैंक में जमा करवा के एडजस्ट करवा लेता और उसको थोड़ा फ़ायदा हो जाता। तो जो लोगों ने उसको यहाँ बुलाया था उन्होंने उनकी हमारे जो दो पुलिस वालों थे उनसे साठगांठ थी, तो उन्होंने उसको यहाँ अंबाला में बुला के उससे 4.5 लाख रुपये, वो उसके पास 9.5 लाख रुपये थे, तो 4.5 लाख रुपये उससे एक्सट्रॉट कर लिए। तो उसमें हमने पुलिस वालों को भी अरेस्ट कर लिया है और जो दो अंबाला के रहने वाले थे प्लस का जो ड्राइवर है, 5 लोग अब तक अरेस्ट हो गए हैं और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए BVM न्यूज़।